लखनऊ के चिन्हट ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से भीषण ब्लास्ट हो गया है, जिसमें वहां काम कर रहे 10 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 2 की मौत हो गई है। सभी को गोमती नगर स्थित लोहिया अस्पताल में भेजा गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। ब्लास्ट इतना भीषण था कि आसपास का इलाका भी दहल उठा है। हादसे में कई मजदूरों के हाथ पैरों पर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, वहीं कई मजदूरों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऑक्सीजन प्लांट पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर फायर ब्रिगेड व पुलिस की टीम है। फंसे हुए लोगों को घटना स्थल से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं मौके पर पुलिस कमिश्नर व भारी संख्या में पुलिस फोर्स रेस्क्यू कर रही है। मौके पर पहुंचे डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि घटना 3:30 की है। एक सिलेंडर के ब्लास्ट होने की वजह से 3 लोगों के आहत व 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही टेक्निकल टीम और CFO द्वारा जांच की जा रही है।